केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए 3 जुलाई 2020 को अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया के तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पिपरिया में असंगठित क्षेत्र के परिवहन कर्मचारियों को राशन एवं राहत राशि सहित अवैध छटनी, जबरन इस्तीफे, अंतर्राज्यीय स्थानांतरों को लेकर ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के साथ एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के कर्मचारी एवं मजदूरों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर राहत पहुँचाने मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन इंटक मध्य प्रदेश के परिवहन कर्मचारियों की कई गंभीर समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन इंटक के प्रदेश महामंत्री प्रवेश मिश्रा, जिला सचिव प्रवक्ता पंकज पाल, इंटक के जिला उपाध्यक्ष पीएल पाल, बजरंग मालवीय, मुस्ताक खान, उदय सिंह राजपूत आदि उपस्थित रहे। पिपरिया से नर्मदा पटेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 22 मार्च से लेकर आज दिनांक तक यात्री बसें खड़ी हुई है और विभिन्न वाहन खड़े हुए हैं। उनका स्टाफ, चालक, परिचालक, हेल्पर, एजेंट, मैकेनिक सब बेरोजगार बैठे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम प्रधानमंत्री अन्न जन कल्याण योजना का लाभ दे रहे हैं। वो 80 करोड़ लोगों को जब वो लाभ दे रहे हैं तो हमारे लोगों को आज 1 अप्रैल से लेकर अब तक ये खाद्यान्न क्यों नहीं मिला, ये कहाँ गया? और 22 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज है, उस पैकेज में जो गरीबों के लिए राहत राशि आनी है, वो राहत की राशि कहाँ है? हम बेरोजगार हैं, इनको भी उसका लाभ दिलाया जाए। और जो कोरोना चल रहा है, इस नाम पर शासन गाड़ियाँ चलवाता है और गाड़ियाँ नहीं चल रही, तो ये सारा 1.5 लाख स्टाफ बेरोजगार बैठा हुआ है। और बस मालिकों की कुछ मांगे हैं तो उन मांगों का सरकार निराकरण बैठ के करे और जल्दी से जल्दी गाड़ी चलवाए, जिससे कि इनकी रोजी रोटी चल सके। इनकी रोजी रोटी चल जाएगी उसके बाद हम 7.5 नहीं मांगेंगे, लेकिन 1 अप्रैल से जब तक गाड़ी चलती है तब तक का जो है 7,500 रुपये पर माह हमको दिया जाए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो मांग हमारी है कि जब गाड़ियां चलेंगी, कोरोना संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पूरे देश में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जब हमारा चालक, परिचालक, हेल्पर उन गाड़ियों में जाएगा, यात्री बैठेंगे, वो डॉक्टर नहीं है चेक कर सके कोरोना है या नहीं, तो उन हमारे मजदूरों को, चालक, परिचालक, हेल्पर को कोरोना वॉरियर सरकार घोषित करे।